5.5 साल की MBBS, 3 साल की PG और 3 साल की सुपर स्पेशलिटी, यानी टोटल 11.5 इयर्स। 18 या 19 की उम्र में शुरू होती है ये जर्नी, जो मरते दम तक चलती है और लोग इजीली कह देते हैं डॉक्टर तो होते ही लूटने के लिए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर ह्यूमन। माय नेम इज मोहित, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एंड टुडे वी विल ट्राई टू ब्रेक सम मिथ्स रिगार्डिंग हाउ मच डॉक्टर्स अर्न आफ्टर MBBS। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि डॉक्टर्स कब कमाना शुरू करते हैं, कितना कब कमाते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने लोग वीडियो देखते हैं उनमें से बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं। तो लाइक करने से हमारी रीच बढ़ेगी, तो अगर आप हमारा भला चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल बटन को दबा दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। सो MBBS इज़ अ 5.5 ईयर्स लॉन्ग कोर्स, जिसमें से 4.5 ईयर्स जो है हमारे वो पढ़ाई में जाते हैं और उसके बाद हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, जिसमें हमें कुछ पैसा मिलता है। कुछ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितना काम हमें कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो पैसा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो तो उसमें निकल ही जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट के ऊपर, बिकॉज जो इंटर्नशिप का जो पैसा है वो हर स्टेट में सेम नहीं है। अलग अलग स्टेट में डिफरेंट पैसे हमें मतलब स्टाइपेंड मिलता है, जैसे कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ स्टेट में बहुत कम मिलता है। एवरेज की बात करूँ तो लगभग 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में इसका एवरेज आएगा, अलग अलग स्टेट का मैं टोटल करके देखूँ तो। डिफरेंट स्टेट्स का डाटा अगर मैं बताऊँ आपको इंटर्नशिप स्टाइपेंड का, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। हरियाणा में 17,000 मिलता है, दिल्ली में 24,000, उसके बाद राजस्थान में भी 17,000 है, यूपी में 12,000 है, बिहार में भी 12,000 है, झारखंड में 17,000, सबसे ज़्यादा जो है वो असम में है, असम में लगभग 31,500 स्टाइपेंड मिलता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कर्नाटका, वहाँ पे भी 30,000 तक मिलता है। थर्ड पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में 29,000 मिलता है। मैं खुद वेस्ट बंगाल में पढ़ रहा हूँ, तो हमारे इधर 29,000 मिलता है। महाराष्ट्र में 12,000 है, गुजरात में 18,000 है, यूपी में 12,000 है। तो ये अलग अलग स्टेट में इंटर्नशिप का स्टाइपेंड वेरी करता है। तो इंटर्नशिप जैसे ही हमारी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद हम या तो पीजी की तैयारी करते हैं, या फिर कुछ कुछ जो होते हैं वो हाउस स्टाफ ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर मेडिकल ऑफिसर की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे उनको 70,000 to 80,000 मिलता है अगर वो MO की जॉब ज्वाइन करते हैं। अगर वो पीजी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। तो पीजी की तैयारी करते हैं, पीजी की तैयारी करने के बाद जब पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल का पीजी का कोर्स है, और उस 3 साल के टाइम पे जो पैसा मिलता है तीनों साल में वो भी वेरी करता है स्टेट वाइज। जैसे वेस्ट बंगाल में हमारे इधर 45,000 है पर मंथ 3 साल तक, एंड दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 90,000 रुपीज़ पर मंथ तक है दिल्ली में। तो वो भी वेरी करता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो ये है पीजी के 3 साल के कोर्स के टाइम पे जो हमें पैसे मिलते हैं उसकी बात मैंने की यहाँ पे। तो पीजी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जैसे मैंने बताया 3 साल की पीजी की, उसके बाद जो है हम बन जाते हैं सीनियर रेजिडेंट, SR बोलते हैं उनको, एंड तब हमारी इनकम हो जाती है लगभग 1 से 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, एंड तब जाके वो 1 से 2 लाख होते हैं लगभग 8.5 साल के कोर्स के बाद। और मैं मेरी अभी बताऊं तो मैं अभी फाइनल ईयर में हूं, तो अभी तो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग्स जो मेरे थे नॉन मेडिकल वाले या कॉमर्स वाले, उनकी अभी जॉइनिंग भी हो चुकी है कंपनीज वगैरह में और कुछ CA बन चुके हैं। तो वो अभी जितना कमा रहे हैं वो जाके हमें SR के टाइम पे मिलना शुरू होती है। तो मेडिकल फील्ड में ये है कि आपको इनकम थोड़ा लेट मिलना स्टार्ट होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, डज मनी रियली मैटर फॉर अ गुड डॉक्टर? तो इसका आंसर है नो। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक अच्छे डॉक्टर के लिए वो है सेटिस्फेक्शन। जो सेटिस्फेक्शन डॉक्टर को मिलती है जब पेशेंट बोलता है थैंक यू आपने मेरी जान बचाई, वो सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर होती है, पैसा भी उससे ऊपर नहीं होता है। जो सेकेंडरी चीज़ है वो है पैसा, पैसा तो सबको चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो इस फील्ड में आने की एंड आपका मोटिवेशन सिर्फ पैसा है, तो आपको बता दूं कि पैसे तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एंड इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, यहीं पे था, हाँ ये रहा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर कर दो अपने जितने बैचमेट्स हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप तैयारी कर रहे हो नीट की तो बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।